नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल द खबरदार न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। जवा थाना प्रभारी के तानाशाह रवैया से लोग परेशान, थमने का नाम नहीं ले रहा है। जवा थाने में अभद्रता एवं बदसलूकी का सिलसिला, कभी पत्रकारों के साथ कभी फरियादी के साथ जिम्मेदार अधिकारी मौन। जिले के जवा थाना अंतर्गत ग्राम सितलाहा निवासी पीड़ित नमन चर्मकार एवं उनके चाचा ने जवा थाना प्रभारी एवं उनके स्टाफ के ऊपर सही तरीके से मारपीट की रिपोर्ट न लिखे जाने एवं थाने परिसर के अंदर अभद्रता से बात करने एवं बदसलूकी का आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित ने यह भी बताया कि मारपीट करने वाले आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार भी नहीं किया गया एवं आरोपी के परिवार वाले पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित की जुबानी। अभी का तकरीबन जो समय है 8 बज रहे हैं, इतनी रात को आप हमारे पास चलकर सितलाहा से आए हैं, तो क्या नाम है आपका? नमन चर्मकार। नमन चर्मकार, तो नमन चर्मकार, ये सर पे आपकी चोट लगी है, तो ये कैसी चोट है और ये क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे को मारा गया है। कौन मारा है आपको? विकास चर्मकार और दीपेश चर्मकार। विकास और दीपेश चर्मकार, क्यों मारी है आपको? ये गाली दे रहे थे मेरे भतीजे को, तो मैं मना किया, तो मेरे को गाली दिया, तो मैं भी बोला कि काहे गाली दे रहे, तो मेरे को लपट के दोनों, एक पकड़ा घोंघा और एक सर पे चुल्ला मार दिया मेरे, इसी की वजह से मेरे चोट लग गई। तो मैं गया थाने जवा, उधर गया तो जब रिपोर्ट लिखाने तो मैडम मेरे को बोली कि क्या कला कर रहा है, तेरे तो कुछ नहीं लगा है, पैर मेरा थोड़ा वो हो रहा था, मेरे चाचा लोग पकड़े थे मेरे को, तो बोल रही थी कि क्या काला कर रहा है, कुछ नहीं है, तो टूट टूट गया क्या? तो मैं लिखाने गया, तो मैं दो आदमी मेरे को मारे थे, तो मैं दोनों को लिखा रहा था, तो मैडम बोली कि नहीं, मारा तो एक ही है, ज्यादा तो नहीं लगा है, तो क्यों दोनों को लिखा रहा है, मैं एक ही क्यों लिखूंगी? तो मेरे को बोल रही थी, साला तू इतना एक ही मारा है तो एक ही ना लिखूंगी मैं, यही बोल रही थी मेरे को, गंदी गंदी बातें, गाली देने लगी मेरे को। तो मैं बोला हो गया, क्या करे, गरीब आदमी है, क्या करें, जो मन पड़ेगा वो लिख देंगे, तो क्या करें, इसीलिए मैं आया इधर। अच्छा, आप आए हैं हमारे पास मदद के? जी, आपके पास मदद के लिए आए। जी ठीक है, तो ये आपके चाचा जी हैं? हमारे चाचा जी। चाचा जी, क्या नाम है आपका? हमारा छोटे लाल जी। ये बताएं हमको कि ये जब घटना घटी, इनके साथ मारपीट हुई, तो उस समय आप क्या थे वहाँ पे? जी हाँ थे। आप थे, तो कैसी घटना है, और जो जब FIR दर्ज हुई, तो क्या FIR करने आप भी गए थे साथ में? नहीं, साथ में गए थे। साथ, क्या घटना घटी थी आप लोगों के साथ में? ये हमारी घटना, हमारे भतीज को जो जबरदस्ती पकड़ करके मारे हैं और गाली दिए इनको, वहाँ पकड़ करके गाली दे करके और मारे, और इनके सिर में चोट हो गई। दो व्यक्ति थे, विकास और दीपेश, और जब हमने इनको ले गया थाने, तो भी मैडम बोलती है, अरे तुम कला कर रहे हो, इतनी चोट नहीं है, अरे तरे बोलने लगी। अच्छा। हाँ, तो हम कहा नहीं सर, इसके चोट ना होती तो ये यहाँ थाने का क्यों आता? बिल्कुल सही बात, ठीक है नहीं? तो इसीलिए लिए आए हैं इनको हम, आप रिपोर्ट करना कराने। तो फिर अरे तरे बोली हमको, तो कहीं जाओ, हो गया, रिपोर्ट करो। हाँ। लिखवाएंगे, बोल दिया मुंशी को कि ले लिख लो इनका रिपोर्ट। फिर गए तो लिखवाए, तो एक को लिखा, हाँ, दिवेश को, हाँ, और विकास को नहीं लिखा। अच्छा, फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? फिर हम लोग गए वहाँ थाने से, हाँ, घर, तो वहाँ धमकी दे रहे थे। कौन धमकी दिया आपको? दिवेश के पिता और माँ ने। हाँ, क्या धमकी दी आपको? हमको ये दिए कि मैंने अभी नमन को मारे हैं, हाँ, दोबारा तो नमन के चाचा के लड़का को मारेंगे जान से। अच्छा, जान से मारने की, जान से मारने के, हाँ, धमकी दिया है। तो अभी जैसे 24 तारीख की घटना है जी, और आज तक में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई? अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई, आज ही तक का नहीं हुई। अच्छा, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। हाँ, 24 से आज 25 तारीख हो गई, नहीं कार्यवाही हुई, कोई कार्यवाही नहीं। हाँ, और आपको जान से मारने की धमकी दे दिया जा रहा है। कौन सही है, कौन गलत है, यह तो जांच का विषय है, किंतु देखने वाली बात यह होगी कि पीड़ित को न्याय कब मिलेगा।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।